जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, टाइप फोर में हम लोग आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 22 चल रहा है, ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। सेमेस्टर थ्री के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। पेपर नंबर 6 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ से चल रहा है। चाहे आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 20 को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्या कहता है? शो डैट द सेट ऑफ मैट्राइसेस ए अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा फिर साइन अल्फ़ा फिर कॉस अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इज़ ए रियल नंबर फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये जो मैट्राइसेस दिया हुआ, मैट्रिक्स नहीं मैट्राइसेस दिया हुआ ए अल्फ़ा के फॉर्म में, जहाँ पर अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये ग्रुप बनेगा। ये क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट एम डिनोट दिस सेट ऑफ मैट्राइसेस। हम मान लेते हैं कि एम जो है कि डिनोट करता है सेट ऑफ मैट्राइसेस को, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, जहाँ पर अल्फ़ा क्या करता है, तो बिलोंग करता है रियल नंबर को। इट इज टू प्रूव डैट, ये प्रूव करना पड़ेगा कि M इज ए ग्रुप, M एक ग्रुप है, ये प्रूव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हम लोग को ये प्रूव करना पड़ेगा कि M क्या है, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा कि M एक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया साफ साफ कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, ये जो है कि मैट्राइसेस ग्रुप है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमको प्रूफ करना होगा। तो कहने का मतलब, यहाँ पर समझिएगा बात को, यहाँ पर M जो है कि मैट्राइसेस का सेट है, ठीक है ना। M क्या है? मैट्राइसेस का सेट है। और वो किस प्रकार से है? तो कॉस अल्फ़ा कॉमा माइनस साइन अल्फ़ा फिर साइन अल्फ़ा फिर कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है, जहाँ पर अल्फ़ा क्या है, रियल नंबर है। और ये प्रूफ करना है कि M क्या है, जो सेट ऑफ ग्रुप सेट ऑफ मैट्राइसेस है ना, वो ग्रुप फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको दिखाना पड़ेगा ये कि क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड करता है। तो ए अल्फ़ा मान लेते हैं और ए बीटा मान लेते हैं कि सेट M जो कि मैट्राइसेस का सेट है उसी में बिलोंग करता है, मान लेते हैं, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा जो है कि बिलोंग करेगा रियल नंबर को। देन वी हैव, हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए अल्फ़ा और ए बीटा से जो रिज़ल्ट आएगा वो भी मेरा सेट M में ही बिलोंग करेगा। तो आइए देखते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो दिक्कत है ना। कॉस अल्फ़ा को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन अल्फ़ा से साइन बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, आप देख सकते हैं। अब जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, यहाँ फार्मूला लग जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फार्मूला होता है कॉस ए बी कॉस ए प्लस बी, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। और तो बचेगा क्या, साइन बीटा कॉस अल्फ़ा और फिर प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लग जाएगा लेकिन माइनस बाहर में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से नीचे में भी साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा है, फिर रॉ टू कॉलम टू में भी जो है, रॉ टू कॉलम वन में भी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रॉ टू कॉलम कॉलम टू में भी, कॉलम टू में जो है कि कॉस अल्फा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा है, ठीक है ना, क्योंकि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि ए अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है हमको, ए अल्फ़ा का वैल्यू हमको दिया हुआ है ये, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू तो क्या लिखेंगे, ए अल्फ़ा प्लस बीटा, जहाँ पर सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा किसको बिलोंग करेगा, मैट्राइसेस को ही बिलोंग करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा भी तो एक रियल नंबर है और बीटा भी एक रियल नंबर है, पहले से ही बात किया गया है इस पर, है ना, वेयर अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, इस पर पहले से ही हम लोग बात कर लिए हैं।
तो जब इस पे बात कर लिए तो अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों दो रियल नंबर का सम भी रियल नंबर होता है, तो इसका मतलब ए अल्फा प्लस बीटा जो मैट्राइस जो मैट्रिक्स निकलेगा वो मैट्रिक्स भी सेट मैट्राइसेस का सेट एम में बिलोंग करेगा, देयरफॉर इट इज क्लोजर। अब आगे एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक्स हमेशा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होता है, तो इसीलिए लिख दिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट आगे चेक करना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो अब आइडेंटिटी चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा के जगह पर जीरो लेना पड़ेगा, कॉस जीरो माइनस साइन जीरो, साइन जीरो और कॉस जीरो, ये भी बिलोंग करेगा एम में, क्यों, क्योंकि ए अल्फा की जगह पर, अल्फा की जगह पर जीरो है और जीरो मेरा रियल नंबर है इसी वजह से। तो अब आगे देखिए क्या कि ए जीरो को हम ए अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अल्फा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि ए जीरो जो है कि ऑब्वियस सी बात है तब क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो ऑल्सो ए अल्फा, चाहे आप ए जीरो ए अल्फा कीजिए, चाहे ए अल्फा ए जीरो कीजिए, आपका ए अल्फा ही मिलेगा, देयरफॉर ए जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, आइडेंटिटी भी लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चेक करेंगे, लेट ए अल्फा मान लेंगे कि बिलोंग करता है एम में, मान क्या लेंगे दिया ही हुआ, और देन दिखा देंगे कि ए माइनस अल्फा भी बिलोंग करेगा एम में, कैसे दिखाएंगे, आइए देखिए इसको ऐसा दिखाना है कि अल्फा अगर बिलोंग करता है, अल्फा अगर रियल नंबर है तो उसमें नेगेटिव लगाते हैं तो वो नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा, तो रियल नंबर तो है ना, तो ए माइनस अल्फा भी बिलोंग करेगा एम में, मतलब सिंस माइनस अल्फा बिलोंग करेगा रियल नंबर में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा, अगर ए अल्फा में हम ए माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है, यानी कि ए माइनस अल्फा जो है कि इनवर्स है ए अल्फा का, है ना, यानी कि ए अल्फा का इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये बात है। और चेक ये भी करना है कि ए माइनस अल्फा भी क्या सेट एम में, जो मैट्राइसिस का सेट है उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना, तब ना कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो यानी कि वो ऑब्वियस सी बात है करेगा ही करेगा, जब अल्फा कर रहा तो माइनस अल्फा भी करेगा, क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर है तो क्या प्रॉब्लम है, रियल नंबर तो है ना, तो देयरफॉर वहाँ पर नाउ ए माइनस अल्फा इंटू ए अल्फा ए माइनस अल्फा प्लस अल्फा, सिंस ए अल्फा इंटू बीटा ए अल्फा प्लस बीटा होता है, इसी वजह से ऐसा हुआ, मैंने दिखा दिया, और ए माइनस अल्फा प्लस प्लस अल्फा ए जीरो हो जाएगा, तो देयरफॉर ए माइनस मतलब आइडेंटिटी आ गया, देयरफॉर ए माइनस अल्फा इज द इनवर्स ऑफ ए अल्फा, दज ईच एलिमेंट एम पोजेजेज एन इनवर्स, इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट सेट एम में जो कि मैट्राइसिस का सेट है उसमें जो है कि प्रत्येक मैट्रिक्स का आपस में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हैंस एम इज ए ग्रुप, चूँकि चारों के चारों कंडीशन को फॉलो किया इसीलिए एम ग्रुप हो गया अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब कॉमुटेटिविटी को देख लेंगे, तो ए अल्फा ए बीटा दो मैट्रिक्स है जो कि सेट एम में बिलोंग करता है, तो ए अल्फा इंटू ए बीटा और ए बीटा इंटू ए अल्फा होगा, आप चेक करके देख लीजिए, सबसे पहले ए अल्फा इंटू बीटा चेक कर रहे हैं तो कॉस अल्फा प्लस बीटा ये समथिंग आ गया, इसको ए अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं, ये एल एच एस हो गया। अब ए बीटा इंटू अल्फा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देख लीजिए, अब इसको आगे दिखाते हैं, ये आएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये समथिंग ये ए बीटा प्लस अल्फा, इसको हम ए अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब एल एच एस आर एच एस बराबर है, तो देयरफॉर एम इज सेटिस्फाइड, फाइव पोस्टुलेट पांचों का पांचों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, इसी वजह से एम जो है कि एबेलियन ग्रुप बना अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब आगे प्रूफ करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 21 को देखेंगे, क्या बोल रहा है, शो डैट द सेट ऑफ ऑल नन एन बाई एन नन सिंगुलर मैट्राइसिस हैविंग देयर एलिमेंट्स एज रियल नंबर, बोलता है कि एन बाई एन का जो मैट्रिक्स बनेगा है ना, सेट ऑफ ऑल जितना भी एन बाई एन का नन सिंगुलर मैट्राइसिस बनेगा वो सारा का सारा में हैविंग देयर एलिमेंट्स एज ए रियल नंबर, और उनका जितना भी एलिमेंट्स उसमें घुसा हुआ रहेगा उस मैट्रिक्स में, उन मैट्रिक्स में जो नन सिंगुलर होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, और वो क्या होगा कि नन अबेलियन ग्रुप, वो अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, ये प्रूफ करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये दिखाना है। आइए देखते हैं कैसे, क्वेश्चन समझ लीजिए फिर से एक बार, समझे नहीं तो
प्रूफ ये करना है कि कोई सेट नन सिंगुलर है, पहली बात तो ये है, प्रूफ ये नहीं करना है, ये नन सिंगुलर है, ये है ना दिया हुआ है एन बाई एन का है, उसमें जो भी एलिमेंट्स घुसेगा उस मैट्रिसेस में वो रियल नंबर घुसेगा, और वो मैट्रिसेस वो उस टाइप के जो मैट्रिसेस है वो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के वो नन एबेलियन ग्रुप बनेगा, ये हमको शो करना है। तो सबसे पहले तो ग्रुप अगर बनेगा तो दिखा देंगे, अगर ग्रुप नहीं बनेगा तो फिर नन एबेलियन का कोई बातें नहीं करेंगे, है ना। तो पहले चेक करेंगे ग्रुप है कि नहीं। लेट मान लेंगे कि M डिनोट करेगा सेट ऑफ ऑल n बाई n नन सिंगुलर मैट्राइसिस विद द एलिमेंट्स एज रियल नंबर। मान लेंगे M कोई सेट है जो कि नन जीरो नन सिंगुलर नन सिंगुलर मैट्राइसिस से बना हुआ है, है ना, उसमें नन सिंगुलर मैट्राइसिस घुसता है ना M सेट में, जहाँ पर उन सभी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स रियल नंबर टाइप के हैं, क्लियर है। अब एक काम करें क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए, ए भी कोई मान लेंगे सेट मैट्रिक्स है जो कि सेट एम का ही है, और वो कैसा है, देन ए बी ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एन बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स विल ऑल्सो बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना, एन बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नन सिंगुलर का बात किया जा रहा है ना, सिंगुलर का बात नहीं किया जा रहा है। तो नन सिंगुलर मैट्रिक्स का जब भी बात करते हैं या सिंगुलर मैट्रिक्स का जब भी बात करते हैं तो उस समय मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर लेना पड़ता है, स्क्वायर नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हो जाता है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है एक बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, क्यों 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 हम लोग नन सिंगुलर का बात करते हैं और सिंगुलर का बात क्यों नहीं करते, क्योंकि डिटरमिनेंट का बात आता है ना, इसीलिए नन सिंगुलर में डिटरमिनेंट आता है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी को में हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी बिलोंग करता है सेट एम से, देन ए बी मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, एन बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, n बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा ये n बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होगा, सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर समझिए बात को, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि कोई भी मैट्रिक्स है ना लेंगे सेट m से तो वो n बाई एन का मैट्रिक्स n बाई एन का नन सिंगुलर होगा, तो a भी मेरा n बाई एन का होगा और b भी मेरा जो है कि n बाई एन का होगा, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बाद भी वो लोग n बाई एन का होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कन्फर्म है। अब क्या है, डिटरमिनेंट ए बी का निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट निकालो ए बी का, तो वो क्या होता है, ऑल्सो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये जीरो नहीं आना चाहिए, ये क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो आ जाएगा तब सिंगुलर हो जाएगा डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट अगर जीरो आ जाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, नन सिंगुलर का बात किया है इसीलिए जीरो नहीं आना चाहिए, सिंस ए एंड बी आर नन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसी वजह से मेरा डिटरमिनेंट ए भी जीरो नहीं होगा और बी भी जीरो नहीं होगा, मैट्रिक्स ए भी जीरो नहीं लेना है और बी भी जीरो नहीं लेना है, इसी वजह से हेंस ए बी का जो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट होगा वो मेरा तब एम में ही बिलोंग करेगा, कन्फर्म है, ठीक है ना, बाय द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से हम लोग दिखा रहे हैं, डैट इज ए बी इज क्लोज, इसीलिए ए बी क्या हो गया, क्लोज हो गया, यानी कि क्लोजर हो गया तो क्लोज कहते हैं, क्लोज हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस हो गया। अब आगे देखिए एसोसिएटिविटी को दिखाते हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव होता है, इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना, ए बिलोंग करता है एम में, बी बिलोंग करता है कोई मैट्रिक्स एम में और सी कोई मैट्रिक्स बिलोंग करता है सेट एम में, तो ए इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट में और ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी, ये आपस में हमेशा एल एच एस आर एच एस बराबर ही आएगा, कन्फर्म है। आगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को दिखाएंगे, मान लेंगे कि आई कोई जो है कि यूनिट मैट्रिक्स है, आई बी द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाई एन, इसका भी ऑर्डर एन बाई एन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स जो भी यहाँ पर लेना है एम सेट में से वो एन बाई एन मैट्रिक्स ही लेना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेना है एन बाई एन का, तो देन डिटरमिनेंट जो निकलेगा आई का वो भी क्या होगा, वन होगा, डिटरमिनेंट ऑब्वियस सी बात है यूनिट मैट्रिक्स का हमेशा डिटरमिनेंट वन ही होता है और वो जो है कि जीरो नहीं होता है, याद रखिएगा, क्लियर है, यानी कि नन सिंगुलर है, कन्फर्म है, देयरफॉर आई जो है कि बिलोंग कर रहा है एम में, ये भी बात सही है कि आई मैट्रिक्स मेरा बिलोंग कर रहा है एम में, क्योंकि वो तो नन सिंगुलर है,
है ना। अब आई इंटू ए करो चाहे ए इंटू ए आई करो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको मालूम है यूनिट मैट्रिक्स से ए को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमको ए ही मिलेगा और ए तो मेरा बिलोंग कर ही रहा था एम में। तो कन्फर्म ये हो गया कि आई को मल्टीप्लाई करने से ए में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब आई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे इनवर्स चेक कर लेते हैं। वी नो डैट एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो ए इनवर्स बराबर वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए होता है ना। तो कन्फर्म ही है, कन्फर्म है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि नॉन सिंगुलर है। वी नो डैट एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, ऑब्वियस ही बात है। देयर फॉर इफ ए बिलोंग कर रहा है एम में तो देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। ए बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो तो अस्तित्व में ही है, उसका नॉन सिंगुलरिटी, तो ए इनवर्स तो जरूर एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स बराबर तब वन बाई अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होगा, इसका मतलब ए इनवर्स तब क्या है कि बिलोंग कर जाएगा सेट एम में, है ना। क्यों भला? क्योंकि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मिलेगा, कहने का मतलब। तो इसी को हम लोग द लेफ्ट आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड से हम लोग ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किए, यानी कि ए में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आता है, तो कहीं ना कहीं ए का इनवर्स ए इनवर्स है, कन्फर्म है। इसका मतलब ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, है ना। अब ऑल्सो ए को अगर दाहिने से राइट से मल्टीप्लाई करो ए इंटू ए इनवर्स तो आइडेंटिटी देगा, मतलब द राइट आइडेंटिटी। तो ये बात है बाबू। तो कंसिडरिंग 1, 2, 3, 4 चारों का चारों प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कह सकते हैं टुगेदर, एक साथ कह सकते हैं कि वी कंक्लूड डैट एम इज ए ग्रुप, हम कह सकते हैं कि एम मेरा ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब आगे कम्यूटेटिविटी को देखेंगे, ए बिलोंग कर रहा है एम में और बी बिलोंग कर रहा है एम में, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दोनों का दोनों, तो ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो आपस में कभी भी बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देयरफॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। याद रखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है लेकिन एसोसिएटिव होता है, है ना, लेकिन एसोसिएटिव होता है। हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव लेकिन क्या है कम्यूटेटिव नहीं होता है। आप बोलोगे कि ए को हमने बी से मल्टीप्लाई किया फिर बी को ए से मल्टीप्लाई किया और बराबर आ गया, कुछ ऐसा मैट्रिक्स मैंने लेकर के चला तो देखिए हर बार बराबर नहीं आएगा, कहने का मतलब ये होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है हर बार बराबर आना चाहिए, है ना। तो देयरफॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इसीलिए पाँचों का पाँचों लॉ तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, चार लॉ सेटिस्फाइड हुआ। हेंस फिफ्थ एक्सियम्स इज नॉट सेटिस्फाइड ऑफ द सेट एम विच इज रिप्रेजेंट सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एन बाई एन ऑर्डर, है ना। यानी कि एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम के अंदर एन बाई एन का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, एन बाई एन ऑर्डर का, तो इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप, तो इसीलिए ये अबेलियन ग्रुप नहीं बना, इसीलिए अबेलियन ग्रुप नहीं हुआ। अगर ये अगर कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है तो अबेलियन हो जाता। तो चलिए ख़त्म हुआ, प्रूफ हुआ। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, लेक्चर नंबर 23 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।